देवभूमि उत्तराखंड आज भी अपनी पारंपरिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। देवभूमि का यह दृश्य है रामपुर न्यालसो गांव का। तो आज प्रथम नवरात्रि के दिन गांव से पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मां की कुछ मूर्तियों को मां के मंदिर में लाया जाता है। मां को त्वन देवी के नाम से जाना जाता है। त्वन देवी मां दुर्गा का ही रूप है। गांव से पूरी पुरानी परंपरा के अनुसार मंदिर में मूर्तियां लाई जाती हैं और मां के दरबार को फिर से सजाया जाता है। तो आज मैं आया हूँ सिद्धपीठ दुर्गा देवी के मंदिर में, जो कि है रामपुर की आराध्या देवी। तो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा माँ दुर्गा देवी का। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। अभी आपको जो ये सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, यह केदार घाटी का है, जो कि मां के मंदिर के रास्ते से दिखाई देता है। आज चारों तरफ साफ मौसम है और चारों ओर का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार का सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है हर दिन। आज हम सभी लोग जा रहे हैं त्वन देवी के मंदिर में दुर्गा माता के दर्शन करने। आगे से जा रही है मिस्टी, फिर जा रहे हैं संदीप भाई और फिर भाभी जा रही हैं। तो आज हम आपको भी त्वन देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे से आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डेंजरस हो रखा है, यहाँ से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, क्योंकि नीचे से NH की कटिंग हो रही है। तो यहाँ से पूरी पहाड़ी नीचे के लिए धसक रही है। देखो, ये मकान भी काफ़ी डेंजरस जोन में है और माता रानी का पूरा रास्ता भी टूट गया है। आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। मेरे साथ हैं मेरे मित्र संदीप गजवान, वो आगे चले गए हैं। तो आज हम सभी लोग माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। माता रानी के मंदिर जाने का पूरा रास्ता जंगलों के बीच से होते हुए जाता है और दोनों ओर बांझ के काफ़ी पेड़ हैं, और जहाँ पे माता रानी का मंदिर है वहाँ पे भी बांझ के काफ़ी पेड़ हैं। यहाँ पर से है माता रानी का प्रवेश द्वार। जय हो माँ दुर्गा देवी। साथियों, मैं आपको बता दूं, अभी जो आपको मेरे पीछे ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यह मंदिर है सिद्धपीठ दुर्गा देवी का, जो कि रामपुर गांव में पड़ता है। तो आजकल नवरात्र हैं, तो आजकल नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों की यहां पे पूजा की जाती है। तो अभी आपको दर्शन करा देते हैं मां दुर्गा के। माता रानी के मंदिर के प्रांगण से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। अभी आपको हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो केदारनाथ की यात्रा चल रही है वो काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है। और हमारे यहाँ पे
काफ़ी हेलीपैड बने हुए हैं, जैसे गुप्तकाशी में बना हुआ है, नाला में बना हुआ है, नारणकोटी में बना हुआ है और मैखंडा में बना हुआ है, सेरसी, बड़ासू, त्रिजुगी नारायण। तो माता का मंदिर सबसे ऊंचाई वाले स्थान पे है, तो यहाँ से साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है केदारनाथ। जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। और आज काफ़ी खूबसूरत मौसम है, अभी आप देख सकते हैं। मंदिर के बाहर प्रांगण से सबसे पहले जो सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है वो है मंदाकिनी नदी का। तो यहाँ से बहती है मंदाकिनी नदी और जो ये आपको पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे खेत रामपुर गांव वालों के हैं। तो यहाँ से सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है केदार घाटी का। अभी जो आपको सामने से पहाड़ी दिखाई दे रही है वह पहाड़ी बिल्कुल खाली है, लेकिन सर्दियों में जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो यह ये वाली पूरी पहाड़ी आपको बर्फ से ढकी मिलेगी। तो ये सुंदर सा नज़ारा है दुर्गा देवी मंदिर के बाहर के प्रांगण से। तो यहाँ से सुंदर नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो सामने आपको भवन दिखाई दे रहा है वो है पंचायती भवन और जो ऊपर से आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह है इंटर कॉलेज और यह प्रांगण है दुर्गा देवी मंदिर का। तो दुर्गा देवी मंदिर के जितने भी धार्मिक काम होते हैं वह इसी प्रांगण में होते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भगवती के लिए जितना भी भोग एवं प्रसाद बनता है तो वो लकड़ी के चूल्हे से ही बनता है। तो अभी आप देख सकते हैं पुरानी परंपराओं के आधार पर ही यहाँ पे धार्मिक कार्य पूरे किए जाते हैं। यहाँ पे रखे हुए हैं देवभूमि के वाद्य यंत्र और इन वाद्य यंत्रों के बिना हमारे सभी देव कार्य अधूरे रह जाते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर के आधा किलोमीटर दूरी पर ही रामपुर गांव बसा हुआ है। तो अभी मैं आपको पूरा ओवरऑल व्यू पूरे गांव का बता देता हूँ। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आजकल पूरे खेत खाली हो गए हैं, तो यहाँ पे सभी गांव वालों की गायें आ रखी हैं चरने के लिए। अभी आपको जो सामने से पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं यह सारे खेत खाली हो गए हैं, क्योंकि इन खेतों में आलू और राजमा की दाल बोई जाती है। तो आजकल आलू एवं राजमा के दालों को निकाल दिया है और फिर इन खेतों की आजकल फिर से सफाई की जाती है और दूसरी फसल बोने के लिए तैयारी की जाती है। तो ये जितने भी खेत आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे खेत रामपुर न्यालसो गाँव वालों के हैं। ना यो पोर तो यहाँ जन भाई यो मात नहीं देखे ना और गौर मन सब ठीक ठाक से छोटा भी ठीक से। दुर्गा देवी मंदिर के ठीक आधा किलोमीटर दूरी पे बसा है सुंदर सा गांव रामपुर न्यालसो। तो यहाँ पे लगभग 500 से 600 परिवार रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खेती की जाती है, जो खेती यहाँ पे की जाती है वो दो प्रकार की खेती की जाती है, आलू और दाल की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ये सुंदर सा नज़ारा है रामपुर
रामपुर न्यालसू गांव का, जो कि केदार घाटी का सबसे सुंदर सा गांव है। तो अभी आपको जो सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है वह न्यालसू गांव का है। तो अभी आप खेतों में देख सकते हैं गांव की महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, और ये सुंदर सी घाटी है केदार घाटी। आजकल जो गांव में काम चल रहा है वह काम चल रहा है खेतों की सफाई, एवं अब जो नेक्स्ट दीपावली आती है तो दीपावली से खेतों को जोता जाता है। तो अभी जो गांव में महिलाओं का काम होता है वो खेतों की सफाई करना और खेतों को जोतने के लिए तैयार करना। तो आजकल पहाड़ी जितने भी गांव होते हैं उन गांवों में यही काम चल रहा है। तो ये सुंदर सा नज़ारा है केदार घाटी के सुंदर सा गांव रामपुर न्यालसू का। यहाँ पे दो प्रकार की फसलों को ज़्यादा उगाया जाता है, दाल वाली फसलें एवं आलू वाली फसलें। अभी मैं जा रहा हूँ गांव से वापस दुर्गा देवी के मंदिर में। कैसे लो ना तुम भट्ट? हेलो, अभी मैं आपको बता दूँ ये पूरा प्रांगण है माँ दुर्गा देवी का। तो यहाँ पे दिन में शाम तक पूरी पूजा चलती रहती है। तो अभी पूजा चल रही है, चौथी पूजा। तो ये पूरा सुंदर सा प्रांगण है माँ दुर्गा देवी का। चला इधर, चला इधर, चला। अभी माता रानी के दर्शन करके अभी मैं पहुंच गया हूं वापस घर पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद देवभूमि, जय उत्तराखंड।